आज हम आलू ब्रेड और सूजी से बनाएंगे करारे आलू टोस्ट। और जो भी इसको खाएगा आपसे सिर्फ रेसिपी पूछेगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें, कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ें घर पे बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो चलिए मिलके बनाते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनर्स किचन में। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेड टोस्ट की कोटिंग। तो यहाँ पे 1 कप मैंने सूजी ली है, कोई सी भी सूजी जो आपके पास अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सूजी से कोटिंग नहीं आ पाएगी, इसको एक बाइंडिंग चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेसन। बेसन लिया है मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लेना है वरना सोगी हो जाएगा। कोटिंग में डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। एक बार सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे इसके अंदर पानी। कोटिंग इस तरह से होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर में सूजी फूल जाएगी तो हमको थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हमको सूजी को ज़्यादा फुलाना नहीं है। जैसे ही आपने बैटर बनाया मुश्किल से 5 मिनट का रेस्ट देना है, और 5 मिनट के अंदर अंदर ही हमको ये बैटर लगाना होगा। तो फटाफट से अब स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे लिए मैंने 4 उबले हुए आलू। आलू पानी पिए हुए नहीं होने चाहिए, और थोड़े से कच्चे, मतलब 80% तक उबले हुए हों तो अच्छी बात है। आलूओं को कद्दूकस कर लीजिए अच्छी तरह। हाथों से मैश करेंगे तो कई बार क्या मोटे मोटे से चंक्स रह जाते हैं। आलू के अंदर जाएगा नमक 1 छोटी चम्मच, यहाँ पे कुटी हुई मिर्च, धनिया की डंठल है चॉप, ये डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। 2 हरी मिर्च है, आप चाहें तो उसमें प्याज भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि प्याज और टमाटर दोनों ही पानी छोड़ते हैं। 1/4 छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर है कलर उठाने के लिए। और सभी चीज़ों को करते हैं मिक्स। तो टोस्ट की टॉपिंग यहाँ पर रेडी हो चुकी है। आपको इसके अलावा भी कुछ सामान डालना है, जैसे गरम मसाला या कुछ खड़े मसाले जैसे साबुत धनिया, जीरा, या आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ब्रेड को मैं पहले सेक रहा हूँ, बाद में भी सेकेंगे, पहले भी सेक रहे हैं क्योंकि हमको करारा ज़्यादा करना है। अगर हम इस पर डायरेक्ट लगा देंगे ना तो अंदर से तो सोगी हो जाएगी। तो पहले इसको हल्का सा करारा यहीं पर कर लीजिए। और जब भी आपको सेकना हो तवे पे या ग्रिलर पे, आँच थोड़ी सी कम रखिए। तेज़ आँच रहेगी तो कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से सोगी सोगी सा या गीलापन रह जाएगा। यहाँ पे हमने कोई बटर या घी नहीं लगाया अभी। और ये देखिए हल्का हल्का सा कलर आ गया है, तो इसको टर्न कर लेते हैं। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना, ज़्यादा तेज़ मत रखना। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है। अब इन दोनों ब्रेड्स को मैं निकाल लेता हूँ, बाकी ब्रेड भी सेक लेंगे। पहले ठंडा कर लेंगे 2 मिनट के लिए। ये आलू की जो टॉपिंग है इसको अब ब्रेड पे लगाना है। ब्रेड पूरी तरह से ठंडी हो गई है तो यहाँ पे इस तरह से लगाना है, जैसे चीज़ को लगाते हैं ना, सेम वैसे ही हमको आलू की टॉपिंग लगानी है। बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, लेकिन ध्यान रहे चारों तरफ से कवर हो जाए। इसी तरह से हम सारी ब्रेड लगा लेंगे। यहाँ पे जो स्टफिंग मैंने तैयार की है लगभग 10 से 12 ब्रेड स्लाइस के लिए तैयार की है। तो ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, इस तरह से फ्लोइंग होना चाहिए, आराम से स्प्रेड हो जाए। तो सबसे पहले हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे आलू हमने लगा रखा है वहाँ पे इसको स्प्रेड करेंगे इस तरह से। ये लेयर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए लेकिन चारों तरफ से लग जानी चाहिए। और एक बात गौर करिए आपने कि यहाँ पे देखिए सूजी के दाने दिख रहे हैं, दिखने चाहिए अच्छी तरह से, तभी तो क्रिस्पी होएगा। अगर सूजी अच्छी तरह से भीग गई तो ये क्रिस्पी नहीं होएगा, हल्के से दाने टाइट रहने चाहिए। इसलिए जो ये बैटर है बहुत देर तक सोख नहीं रखना है। इस तरफ से तो लग गया, अब लगाएंगे इस तरफ से, लेकिन हाथ तो गंदा हो जाएगा ना। तो सबसे पहले इसको सेक लेते हैं फिर ऊपर की तरफ से लगाएंगे। तो यहाँ तवा पहले से गर्म है लेकिन हीट मीडियम रहेगी। यहाँ पे बटर डाल रहा हूँ, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। जिस तरफ से हमने बैटर लगाया था वो साइड हमको पहले रखनी होगी इस तरह से। अब ये खाली रह गई ना, इस तरफ से और लगा देंगे बैटर। यहाँ पर क्या करना है कि कलर आया या नहीं आया, हल्का सा उठाइए, लिफ्ट कीजिए इसको, देख लीजिए कलर आ गया तो पूरा लिफ्ट कर लेते हैं। ये हो गया लिफ्ट, कितना प्यारा कलर आया। और ये देखिए सूजी की वजह से कितना क्रिस्पी भी हो गया ये। तो दोनों तरफ से बढ़िया सा कलर आ गया है। तो हमारे टोस्ट यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, अब सर्व कर लेते हैं इनको गर्मा गर्म। सूजी की कोटिंग की वजह से बाहर से देखिए कितना प्यारा क्रिस्पी हो गया ये, और अंदर से है आलू का मसाला तो सॉफ्ट भी है,